भाई लंबा लाइनअप है, भाई लंबा लाइनअप है देखो। हाँ ये अपना है, नंबर से पता चल रहा है ये वही बाइक है जिसको मैं कारगिल में छोड़ कर आ गया था। तो गाइस टाइम टू अनवील द बीस्ट। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस बहुत टाइम के बाद फिर से आप सबसे मिल रहा हूँ, अराउंड कुछ एक महीना हो गया ना यार, मुझे पता है बहुत डिले हो चुका है। ईद का व्लॉग भी मैंने नहीं डाला क्योंकि उस दिन पूरा एकदम सब कुछ कंटेंट उलट पुलट हो गया था। एनीवेज गाइस आज संडे है एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि पहला तो है कि आज सैमी भाई लेने वाले हैं अपना न्यू सुपर बाइक का डिलीवरी, प्लस उसी के साथ इस वीडियो को और भी मज़ेदार एंड आज का दिन को और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि सब लोग मिलकर बाइक डिलीवरी लेने के बाद ना हम लोग जाएंगे एनएच2 की तरफ एक संडे इवनिंग हाईवे राइड मारने के लिए। तो चलो निकलते हैं, बाकी इधर आप लोग देख सकते हो यार लीचीज, अपना खुद का घर का लीची। एनीवेज गाइस चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 41 डिग्री सेल्सियस था, तो अभी निकलते हैं। इतना गर्मी वाला वेदर में ना एक गर्म आग का गोला को लेकर मुझे राइड करना पड़ेगा जस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ज़रूर से लाइक मारना, अच्छा सा कमेंट करना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। चलो गाइस निकलते हैं, मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। ऑल राइट गाइज वेलकम बैक टू दिस मोटो व्लॉगिंग सेटअप एंड इधर आप लोग देख सकते हो अपनी जो चिली है, बहुत टाइम के बाद इसको मैंने निकाला है, पूरा जस्ट थोड़ी देर पहले ही ना मैंने इसको साफ़ किया। चलो वार्म अप कर लेते हैं भाई इसको, अब वार्म अप में ना बहुत आवाज़ होगा, आई एम सॉरी पड़ोसन। तो एक्चुअली गाइज ना ये अगर आप लोग देखोगे मेरा जो पड़ोसी है कोई आम आदमी नहीं है, ये सामने आपको दिखेगा पुलिस का कार है, दिस इज़ एक्चुअली BSF, दैट वन इज़ SP, इधर DSP है। तो मतलब आपका भाई ना सबसे मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस पे रहता है, देख सकते हो ना भाई। तो ऐसा कुछ सीन है अपने घर का सामने का, आज संडे है तो इसलिए दिख रहा है इधर, नहीं तो और भी गाड़ी रहते हैं, तो जितने सारे हाई ऑफिशियल्स हैं वो इधर रहते हैं हमारे सामने। तो अभी भाई जाएंगे हाईवे में, वहाँ पर जाकर रुकेंगे, वेट करेंगे, भाई लोग सब आ रहे हैं, मिलेंगे उसके बाद जाएंगे पहले तो जॉयस बाइक पॉइंट, क्योंकि बाइक का जो डिलीवरी है वो होने वाला है फ्रॉम जॉयस बाइक पॉइंट। चलो करते हैं बिस्मिल्लाह। भाई लग रहा है ना कि इसके अंदर बहुत टाइम तक खुन्नस भरा हुआ था, हल्का सा थ्रॉटल मारा भाई ये तो रॉकेट बन गई। अच्छा लग रहा है भाई अपनी चिली को इतना दिनों के बाद राइड करके, एंड ट्रस्ट मी गाइस गर्मी है इसलिए थोड़ा सा मतलब कंटेंट में गैप लग रहा है, नहीं तो यार ना बहुत तगड़ा कुछ प्लानिंग करके हम लोगों ने रखा है। पहले तो अपनी बाइक होगी रैप, उसके बाद करेंगे लॉन्ग राइड, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी मेरे को ना हाईवे पे जाकर वेट करना पड़ेगा, वो लोग आ जाएंगे जल्दी। यार मैं इधर ना वेट कर रहा था तो भाई लोग सब अभी जस्ट क्रॉस किए, जाकर कैच करता हूँ। काका आ गया, बॉस आ गया, बाप रे बाप क्या लाइनअप है भाई, तगड़ा तगड़ा लाइनअप है। भाई लंबा लाइनअप है, भाई लंबा लाइनअप है देखो। देखो इधर स्टार्ट हो रहा है 6-8 से, फिर रॉयल इनफील्ड, फिर टोक्यो और इधर आ गया हीरोक भाई। संडे सीन्स गाइस देखो, ये जो स्टोरी में दे रहा हूँ ना जरूर से देख लेना ऑन माय इंस्टाग्राम ID बाइकर बॉय जाहिर, ठीक है फॉलो कर लेना फटाक से, और डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दिया हुआ है। यो
ये तो गाइज ये दो लड़की ना भागते भागते आ गई इधर बाइक्स को देखने के लिए भाई। तो अभी देखो ये लोग फोटो खींच रही है, सर पे हाथ देकर हाय रे भगवान बोल रही है। आई डोंट नो क्या हो गया भगवान को बुलाने वाला। चलो अबे उधर बुला रहा है, चलो मैन विल बी मैन। या साला आज बहुत दिनों के बाद ना मस्त वाला राइड होगा भाई, सीरियसली। इतना गर्मी है ना भाई, जो लू होता है ना, लू जो गर्म हवा है ना वो लग रहा है भाई पूरा बॉडी में। भाई वो इधर थोड़ा चिल्ड हो रहा है भाई। यार मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल दे रहा हूँ बिकॉज इतना लेट हो गया। आई डोंट थिंक के मतलब आज हो पाएगा या नहीं वो हाईवे वाला राइड, क्योंकि प्लान तो ऐसा ही है कि पहले बाइक फटाक से लेंगे डिलीवरी, उसके बाद जाएंगे हाईवे राइड पे। बट आई डोंट नो कि वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, देखते भाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट वीडियो तो धमाकेदार होगा भाई। तो गाइस बस हम लोग आ चुके हैं एट जॉयस बाइक पॉइंट। अरे बाप रे यार बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। यार इतना गर्मी है ना भाई, बाइक भी भयंकर रूप से गर्म हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जॉयस बाइक पॉइंट पे। देखो ज़्यादा कोई भीड़ भट्टा नहीं है, आराम से हम लोग अराउंड कुछ 8-10 भाई लोग आए हैं। एंड यहाँ पर देखो हम लोग क्या पी रहे हैं, गर्मी से बचने का एक ही उपाय, अपना देसी जुगाड़, देसी सॉफ्ट ड्रिंक। देखो भाई क्या क्या लगा रहा है मुंह में, मुंह में क्या डाल रहा है तो गाइस अल्टीमेट रिफ्रेशमेंट रहा ये, एक्चुअली नींबू पानी है, हम लोग नींबू पानी पी रहे हैं। फटाक से डिलीवरी लेंगे, अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि NH2 की तरफ जाएंगे या तो NH6, किधर भी हो हम लोग चले जाएंगे यार, थोड़ा सा घूम के आएंगे। बाकी यार आप लोग कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, थम्स अप सब कुछ बहुत कुछ पीते हो, बट जो हमारे मतलब क्या बोलूँ, दिस इज़ प्योर स्वदेशी, ठीक है। इतना मेहनत मजदूरी करके लोग बनाते, इनसे पियो तो उनका भी हेल्प होगा एंड खुद को एक अलग लेवल का राहत मिलेगा। यार दिस इज़ नॉट लेस देन एनी कोको कोला, एनी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस इधर आप लोग एकदम जो कलेक्शन है अपना जॉय भाई का वो देख सकते हो। यार कितने सारे बाइक्स देखो भाई, एकदम लाइन से लगा हुआ। बाप रे बाप भाई, हाँ ये अपना है, नंबर से पता चल रहा है ये वही बाइक है जिसको मैं कारगिल में छोड़ कर आ गया था यार इसके पीछे ना एक बहुत ही यार बेवकूफ़ी वाला प्लस इंटरेस्टिंग वाला हादसा है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं बताऊंगा कि उस बाइक को मैं कारगिल में छोड़ के आ गया था अपना लद्दाख राइड इनकम्प्लीट करके। बहुत बड़ा किस्सा है, आप लोग सुनोगे ना यार एक तो मुझे बेवकूफ़ समझोगे और मतलब बहुत ही तगड़ा वाला इंटरेस्टिंग सा
मतलब सीन हो गया था, कभी बाद में अगर फुर्सत मिले तो आप सबसे शेयर करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग जानना चाहते हो या नहीं। बाकी जैसे कि मैं दिखा रहा था S1000 R6 10R 10R 6R एंड फिर निंजा 650 और भी बहुत सारे बाइक्स हैं, डुकाटी वगैरह सब कुछ आप लोग देख सकते हो। और एक्चुअली जिस बाइक का आज डिलीवरी है, दैट वन इज़ दिस बाइक। तो आप लोग देखो एंड कमेंट करके बताओ कि कौन सा बाइक है इसके अंदर, ठीक है। साईं भाई लेने वाला है, बहुत ही तगड़ा बाइक है। ओके, वेट करते हैं, सब लोग आ चुके हैं, अब बस कुछ देर में इसको हम लोग रिवील करेंगे। भाई देखो, लस्सी फॉर एवरीवन भाई, थैंक यू। ये तो अमृत है, इस वेदर के लिए अमृत है भाई। रेड वाइन, हाँ सच में रेड वाइन। चीयर्स भाई। देखो एक एक करके हम लोगों को ड्रिंक्स मिल रहा है, लस्सी मिला, उसके पहले नींबू पानी मिला, अब देखो रेड वाइन भी मिला। स्टिंग एक ही चीज रेड वाइन भाई, खट्टा। सो गाइस टाइम टू अनवील द बीस्ट। सब लोग रेडी, सब लोग रेडी के पीछे क्या है? चलो उठाओ चोली। गोड़ में माता चू गया छे। Yeah.